हेलो एवरीवन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक नोटिफिकेशन लेकर आई हूँ हिमाचल प्रदेश, जो कि हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला की तरफ से आई है। ये जो JBT का कोर्स होता है 2 इयर्स का, जिसे हम अब डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो इसे करवाता है, DLED के नाम से जिसे हम जानते हैं, ये 2 इयर्स का कोर्स है, जिसे पहले JVT बोला जाता था, अब उसे DLED कहा जाता है हिमाचल में। तो इसके लिए सबसे पहले कंबाइंड टेस्ट होता है, इस टेस्ट को देकर ही आप 2 इयर्स के इस डिप्लोमा के लिए आप एलिजिबल होकर इसमें एडमिशन ले सकते हो। ये JVT का जो कोर्स है, ये अगर आप टीचर बनना चाहते हैं 1st to 5th क्लास प्राइमरी सेक्शन के लिए, तो आप ये टेस्ट दे सकते हैं और 2 इयर्स का ये डिप्लोमा कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करती हूँ मैं। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो डेट ऑफ सबमिशन है वो है 21 मई 2020। तो ये स्टार्ट हो चुका है, कल से ही ये फॉर्म आपको साइट पे मिल जाएगा, ये स्टार्ट हो चुका है। एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है, लास्ट डेट जो इस फॉर्म को सबमिट करने की है वो है 20 जून 2020, मींस 20 जून 2020 तक आप इसको फिल करके सबमिट करवा सकते हैं। ये ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन रहेगी आपकी 12 जुलाई 2020। तो 12 जुलाई 2020 को आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट कर लिया जाएगा। अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पर जाकर www.hpboards.org पर जाकर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, आप वहां से इस साइट पर डायरेक्ट जा सकते हैं और फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब मैं बता दूं शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, जो एग्ज़ाम आपका 12 जुलाई 2020 को होने वाला है, उसकी टाइमिंग रहेगी 11 से 1 बजे तक। और ये जो एग्ज़ाम होता है ये 2 आवर्स का रहता है। इसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं, क्या सिलेबस रहता है, वो मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूँगी। एलिजिबिलिटी मैं बता दूं कि कौन कौन इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल है। तो इसके लिए जो है प्लस टू क्लास में आपके 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। जनरल रिलैक्सेशन की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको 50% मार्क्स प्लस टू क्लास में होने चाहिए। और अगर आप SC ST OBC फिजिकली हैंडीकैप्ड से बिलोंग करते हैं तो आपको 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। एज लिमिट की बात करूं तो एज लिमिट इसकी रखी है 17 से 32 ईयर्स। जो 17 से 32 साल के लोग हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और रिलैक्सेशन दी जाएगी 5 इयर्स की, जिनकी एज 32 हो चुकी है और वो JVT करना चाहते हैं। तो अगर वो रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, रिजर्व्ड कैटेगरी मींस SC ST OBC एंड फिजिकल हैंडीकैप्ड, और एक्स सर्विस मैन को भी, इसमें कोई एक्स सर्विस मैन है तो उसको भी 5 इयर्स की रिलैक्सेशन दी जाएगी। तो ये रही एज लिमिट। अब मैं एज लिमिट की बात करूँ तो ये जो 17 साल है, तो ये कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है। तो जो जनरल कास्ट के लोग हैं वो, उनका बॉर्न होना चाहिए 1 मई 1988 एंड 1 मई 2003 के बीच में। तो आप अपनी एज कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर आपकी, आपका बॉर्न इनके बीच में है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और एज लिमिट शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, OBC, फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए एंड ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स के लिए दे रखी है, कि उनका जो बॉर्न है वो बर्थ है वो 1 मई 1983 एंड 1 मई 2003 के बीच में होना चाहिए। अब अगर मैं फ़ीस की बात करूं तो कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट की फ़ीस रखी है जनरल कैटेगरी एंड इसकी सब कैटेगरीज के लिए 600 रुपीज़ एंड SC ST OBC फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 400 रुपीज़ इसकी फ़ी रखी गई है।
अब अगर मैं इस साल की कितनी सीट्स जो हैं वो इसकी फेस की जानी है तो उसकी बात करूँ तो टोटल 2450 सीट्स भरी जाएंगी, जिनमें से जो गवर्नमेंट डाइट्स हैं उनमें 900 सीट्स हैं और प्राइवेट में 1500 हैं। हमारे हिमाचल में 12 डिस्ट्रिक्ट हैं तो 12 डिस्ट्रिक्ट में 12 डाइट्स हैं, तो उनमें जो भी डाइट से बच्चे जेबीटी करते हैं वो गवर्नमेंट के अंडर ही आते हैं, उनकी फीस स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ कम होता है, तो वो 900 सीट है एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है एचपी से एफिलिएटेड तो उसकी 1500 सीट्स हैं। अब ये सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए होगी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं आपको सीट का डिस्ट्रीब्यूशन बता दूंगी किस डाइट में कितनी सीट हैं और कौन से प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कितनी सीट्स हैं। अब अगर मैं पैटर्न की बात करूं डीएलएड कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट की, तो इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा एंड नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एंड जैसे कि ड्यूरेशन तो मैंने बताई कि 2 आवर्स रहती है, मीन्स 120 मिनट, 100 क्वेश्चंस एंड 120 मिनट। तो इसमें 4 सेक्शन रहते हैं आपके पेपर के, जिसमें हिंदी हिंदी जो है वो 25 मार्क्स की आएगी, इंग्लिश 25 मार्क्स की, और न्यूमेरिकल एबिलिटी 25 मार्क्स की एंड जनरल अवेयरनेस आएगा 25 मार्क्स का। इस तरह से ये 4 सेक्शन का टोटल मिला के आता है 100 मार्क्स का पेपर। और ये जो पेपर है ये बाइलिंगुअल रहता है, हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस में रहता है। और ये जो स्टैंडर्ड है इस एग्ज़ाम का वो प्लस टू का स्टैंडर्ड रहता है, हिंदी इंग्लिश जो है वो आपको प्लस टू लेवल की आएगी। अनाउंसमेंट की बात करूँ रिजल्ट, तो अगर जुलाई में आपका पेपर कंडक्ट किया जाता है तो आपका रिजल्ट जुलाई में भी आ सकता है, अगस्त में भी आ सकता है। ये आपको वेबसाइट जो है हमारी एचपी बोर्ड की www.hpboards.org पर मिल जाएगा। अब जो आपका कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें आपको कितने मार्क्स लेने होंगे, तो जनरल कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स, अगर आपके 100 में से 50 मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हो जाओगे। और रिजर्व कैटेगरी के लिए अगर आपके 45 मार्क्स हैं 100 में से तो आप एलिजिबल हैं। और अगर आपका स्टेट एंड नेशनल लेवल से कोई स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है तो आप 35 मार्क्स आउट ऑफ 100 लेकर ही आप एलिजिबल हो जाएंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका गवर्नमेंट नंबर पड़ेगा या नहीं, वो डिपेंड करेगा काउंसलिंग पे, हायर जो भी मेरिट जाती है उस पे ये चीज़ डिपेंड करती है। बट जो एलिजिबिलिटी है एक वो यही है, जनरल के लिए 50 मार्क्स और रिजर्व कैटेगरीज के लिए 45 मार्क्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 35 मार्क्स। तो फ्रेंड्स ये तो थी डीएलएड का जो भी फॉर्म अभी निकला है, आपको अगर प्रोस्पेक्टस चाहिए होगा तो आप साइट पर जाकर फाइंड कर सकते हैं www.hpboards.org। और अगर आप चाहते हैं कि ये फॉर्म कैसे फिल करना है, ऑनलाइन फॉर्म है, तो अगर आप चाहते हैं कि ये फॉर्म फिल कैसे करना है उससे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए होगी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, उससे रिलेटेड मैं वीडियो आपके कमेंट्स को देख के बना दूंगी कि कैसे फॉर्म फिल करना है। साइबर कैफे में जाने की ज़रूरत नहीं है, डिजिटल इंडिया का ज़माना है, आप अपने फ़ोन से फॉर्म फिल कर सकते हैं, बाहर किसी को 100 या 80 रुपीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर आप चाहते हैं कि आप खुद फॉर्म फिल करो तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, मैं उससे रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।